खबर जिला बरेली थाना नवाबगंज से है। आपको बताते चले, नवाबगंज पुलिस का गुड वर्क आए दिन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको बताते चले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के कुशल नेतृत्व में अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाल धनंजय सिंह के निर्देशन पर उप निरीक्षक नितिन कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल उग्रवीर कांस्टेबल सोहनवीर कांस्टेबल महेंद्र पाल ने तिलक राम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम मोहम्मद थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 38 पेटी हरियाणा मार्ग का देसी शराब बरामद हुई। नवाबगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्त को 60-63 की आवधिक कार्यवाही कर जेल भेजा है। सर जानकारी चाहेंगे, जो शराब पकड़ी गई है, क्या प्रकरण है पूरा? बीती रात थाना क्षेत्र में रात गश्त में हमारी पुलिस मामूर थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम थाना आजाद क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर बकुचिया में हरियाणा मार्का की दारू उतारी जा रही है। तत्काल इस सूचना पर मेरे द्वारा एसआई श्री नितिन शर्मा को पर्याप्त फोर्स के साथ मौके पर भेजा गया और उनकी तत्परता से मौके पर ही 38 पेटी हरियाणा मार्का दारू बरामद किया गया। साथ ही एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम तिलक राम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना नवाबगंज बरेली है। इनको इनके खिलाफ लिखा पढ़ी कर दी गई है। साथ ही ये कहाँ से दारू लाते हैं, किसके माध्यम से लाते हैं, इसके बारे में विस्तृत छानबीन की जा रही है। जो भी इसके दायरे में आएगा उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।